हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो देखिए, आज से जो है हम लोग का जो है वो आपका सब्जेक्टिव कहें या फिर एमसीक्यू टाइप कहें, यानी बहुत तरह का हम लोग तरीके क्वेश्चन जो है वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे साइंस में, यानी कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक है। और बायोलॉजी का भी आपका जल्द से जल्द जो है वो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यार, इतने मज़ेदार क्लासेस देखने के लिए, बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इतने मज़ेदार क्लास देखने के लिए जो है आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ज़रूर जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको टाइम से मिल जाए एग्जाम से पहले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को, ठीक है। और एक बार बता दें बात कि इससे बाहर जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो नहीं आने वाला है। मतलब कि एक दो क्वेश्चन आ जाए ठीक है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन जो है वो आपको यहीं से लड़ने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। एग्जाम के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन इससे वन शॉट से आया है, ठीक है। चलो, तो बाकी मैं बता दूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो है आप देखिए यहाँ पे आपका दिख रहा है, सबका वन शॉट चल रहा है। चलो, क्वेश्चन आपका फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है एक्स और वाई और जेड, ठीक है। इस रिएक्शन में, यानी इस यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, ये जेड है और ये वाई है, ये क्या क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। एक्स जो है वो गैस है, वाई जो है रिएक्शन कंडीशन है, जेड जो है वो गैस है। एक्स सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। एक्स जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 है, रिएक्शन कंडीशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। या फिर डी ऑप्शन में है कि एक्स जो है फिजिकल स्टेट बता रहा है KClO3 का और KCl का, वाई रिएक्शन कंडीशन है और जेड जो है वो फिजिकल स्टेट बता रहा है ऑक्सीजन का। कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन है? तो लेट ना करते हो, क्योंकि आंसर सामने है। तो लेट ना करते हुए बताऊँ कि आंसर जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, कि जो KClO3 और KCl में जो है वो इन दोनों का जो है वो फिजिकल स्टेट जो है वो बता रहा है एस कि सॉलिड में है, और जो वाई है वो बता रहा है कंडीशन की हीट यहाँ पे दिया जा रहा है, और जेड जो है वो आपका क्या है वो ऑक्सीजन बता रहा है कि ऑक्सीजन का कौन सा स्टेट है, फिजिकल स्टेट है वो गैसियस है, ये आपका बता रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन में असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। फॉलोइंग कह रहा है कि फॉलोइंग ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है आयरन का स्टीम में, वो आपका है 3Fe+4H2O इक्वल टू Fe3O4+ में 4H2। हाँ ठीक है, सही है। रीजन कह रहा है कि ये जो है वो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये जो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास पे होल्ड करता है, गुड फॉर द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के लिए सही होता है। ये बात दोनों सही है, यस असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन के हिसाब से रीजन भी सही है, तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। चलो थोड़ा फास्ट करेंगे, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग अटैच कर पाए एक ही वीडियो में, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग जो है वो सॉल्व कर लें, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। नेक्स्ट है, स्टेट द लॉ ऑफ फॉलोड बाय ए बैलेंसिंग और ए केमिकल रिएक्शन, यानी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का आपको जो है डिफिनेशन बताना है। सो आप बोलेंगे क्या कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है फॉलोड बाय ए बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को फॉलो करता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच स्टेट, ये जो है वो क्या करता है कि जो मास कैन बी, ये कहता है कि मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मास नहीं बनता है ना ही खत्म होता है, ठीक है। दैट इज, ये जो है वो टोटल जो है टोटल मास जो है ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट के तरफ, इधर रिएक्टेंट होता है रिएक्शन के, और रिएक्शन के उस साइड प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट के तरफ जो है वो टोटल जो है वो जाके बन जाता है, यानी जितना इधर मास है उतना ही प्रोडक्ट के साइड भी मास हो जाता है, ये कह रहा है, इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के साइड का, ये कह रहा है आपका पहला, और ये आपका डिफिनेशन हो जाएगा इसका। दूसरा में है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन को जो है आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए मैंने आपको कुछ स्टेप बताया था। पहला ये कि पहला आप देखिए कि इस पूरे इक्वेशन में मेटल कौन कौन सा है, और अगर मेटल है तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस कीजिए, सेकेंड स्टेप में आप नॉन मेटल को बैलेंस कीजिए, और थर्ड स्टेप में फिर आप हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, सॉरी हाँ हाइड्रोजन को, और लास्ट स्टेप में जो है वो आप, नहीं थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, और लास्ट स्टेप में आप किसको बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन को आप बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना कर लेंगे। तो देखिए इसमें से सोडियम मेटल है, यहाँ भी सोडियम मेटल है, तो पहले सोडियम को बैलेंस करते हैं, तो इधर भी सोडियम एक ही है, इधर भी सोडियम एक ही है, तो मेटल जो है वो बैलेंस है। उसके बाद नॉन मेटल हमें यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, फिर उसके बाद किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए एक है, और इधर भी ऑक्सीजन एक है, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस है, चलो ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे तीन है, हाइड्रोजन एक और दो मिलकर तीन है, यानी ये पूरा इक्वेशन खुद ही बैलेंस में है, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि ये पूरा इक्वेशन खुद ही बैलेंस में है,
तो आप यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, यानी ये इक्वेशन ऐसे बैलेंस में है, लेकिन इस सोडियम, एक सिंगल सोडियम जो है वो H3O से जो है आपका रिएक्शन कर रहा है, कुछ अजीब आपको लग रहा है, ठीक है। तो इसको बढ़िया इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि 2 मोल्स ऑफ Na ले लीजिए, और यहाँ पे H3O की जगह पे आप क्या कीजिए कि 2 मोल्स ऑफ H2O ले लीजिए, क्योंकि H3O, भाई सोच रहे हैं H3O हार्ड वाटर हो जाएगा, ये कैसे रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो H3O ये रिएक्शन यहाँ पे गलत हो रहा है। ऐसे तो ये बैलेंस सही था, लेकिन हमें भाई रिएक्शन भी तो सही करनी है। रिएक्शन सही करने के लिए यहाँ पे H2O ले लेंगे, वाटर ले लेंगे, इसको 2 मोलिकुल ले लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे सोडियम 2 है, इधर भी देखिए सोडियम जो है वो 2 है, 2 लगा हुआ है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ 4 है, हाइड्रोजन देखिए 2 यहाँ है, और ये 2 इस हाइड्रोजन के लिए भी है, तो 4 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 लगा है, तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 है। अब जाके ये बैलेंस हो गया, और यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करना है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। तो फोटोसिंथेसिस मतलब होता है कि सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ लाइट, लाइट से जो है हम लोग फोटो जो सिंथेसिस है वो एक तरह का सिंथेसिस है, और ये जो है वो लाइट से जो है वो आपका पूरा जो है फिनोमिना होता है। इट दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस, या फिर इट इज अ प्रोसेस दैट गिव्स, इसमें जो लीफ है टू ऑल लिविंग बींग्स, यानी कि सारे लिविंग बींग्स में जो है, यानी कि जो लीफ है टू ऑल लिविंग बींग्स में जो है आपका होता है, जो ये क्या करता है कि जो फोटोसिंथेसिस है ये एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को जो है वो यूटिलाइज करता है, एंड वाटर को जो है इन द प्रेजेंस ऑफ, वाटर के प्रेजेंस में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो यूटिलाइज करता है वाटर के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, एंड वाटर को किसके प्रेजेंस में, ध्यान से समझिए। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और वाटर को जो है वो यूटिलाइज करता है, यानी यूज करता है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 6 मोल्स ऑफ लेता है वाटर, मतलब प्लांट, और वाटर जो है वो 12 मोल्स ऑफ लेता है सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल में। तो ग्लूकोज हमको मिलता है, प्लस में ऑक्सीजन हमें मिल जाता है, और कुछ मोल्स ऑफ वाटर जो है वो बाहर में भी निकाल देता है, ठीक है। तो ये है आपका रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इस पूरे डेफिनेशन को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस फॉलोइंग रिएक्शन का बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे बन रहा है, तो हाइड्रोजन का मतलब है H2 हो जाएगा, क्लोरीन का मतलब है Cl2 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे कितने बनेंगे, तो HCl तो बनेंगे, H और Cl से HCl बन गया, हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो बाहर यहाँ पे 2 लग जाएगा, तो ये बैलेंस जो है आपका केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन यहाँ बन गया। उसी तरह से लेड कॉपर क्लोराइड है, लीड है तो Pb हो जाएगा, कॉपर क्लोराइड है यानी CuCl2 हो जाएगा, तो कॉपर क्लोराइड और लीड जब Pb और CuCl2 मिल गए, तो इधर जो है आपका PbCl2 बन जाएगा और Cu बेचारा बाहर निकल जाएगा, ये हमारे यहाँ पे केमिकल इक्वेशन बैलेंस में हो गया। उसी तरह से आप इसको कर लीजिएगा, थर्ड वाला, ये मेरी तरफ से होमवर्क रहेगा, कुछ होमवर्क मैं आपको देता चला जाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा घर पे बैठ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है विग्रस विद वाटर टू प्रोड्यूस स्केल्ड लाइम। स्केल्ड लाइम का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर से ये जो है वो रिएक्ट कर रहा है, और स्केल्ड लाइम यानी CaOH2 जो है वो बना रहा है एक्वस फॉर्म में। तो इस रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है वो कैसा है, क्या कॉम्बिनेशन है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, या फिर ऑक्सीडेशन है, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं है, ये आपको यहाँ पे कंडीशन दिया, ऑप्शन मेन यहाँ है कि ए और सी, ये रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन भी है और एंडोथर्मिक भी है, या फिर डी एंड सी एंड डी, यानी कि वो एंडोथर्मिक और आपका क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहा है, या फिर ए सी डी, या फिर ए बी, ये कौन सा जो है आपको शो कर रहा है, जल्दी बताइए। तो आपको जो है वो साफ पता चल रहा है कि देखो इसमें से जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनता है, ध्यान से समझेंगे, तो यहाँ पे जो है वो एनर्जी हमें क्या करनी पड़ती है, एनर्जी यहाँ से क्या होता है बाहर निकलता है, एनर्जी बाहर निकल, भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर से चूना जब हम लोग उसमें डालते हैं तो क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलती है, देखते हैं वहाँ पानी खौलने लगता है चूना डालते हैं, तो यानी एनर्जी बाहर निकल गई, एनर्जी जो बाहर निकलता है तो उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, यानी बी तो होगा ही होगा, बी होगा यानी ए कट गया और बी कट गया और सी भी कट गया, यानी बी होगा, तो ये 3 ऑप्शन तो कट ही गए भाई, बचा क्या डी, यानी ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कॉम्बिनेशन भी है और आपका कौन सा है एक्सोथर्मिक भी है, इस तरह से आप करेंगे इसको। चलो सर, छठा भी हो गया, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो सेवन क्वेश्चन है कि व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यानी H2S
जो है वो पास किया जा रहा है ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के एक ब्लू सोल्यूशन से, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ब्लू सोल्यूशन होता है उससे पास किया जा रहा है। तो एक ब्लैक प्रेसिपिटेट जो है कॉपर सल्फेट जो है वो ऑब्टेंड हो रहा है एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन डबल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा। तो रिएक्शन पहले लिखेंगे, तो कॉपर सल्फेट H2O से रिएक्शन, H2S से रिएक्शन कर रहा है तो CuS बनेगा प्लस में H2SO4 बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कॉपर जो है वो आपका H2 को रिप्लेस करके आ गया है, तो H2S यहाँ पे ये आ गया और ये H2 जो है वो SO4 के पास चला गया है। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, यानी दो दो बार डिस्प्लेस हो रहा है, चेंज हो रहा है जगह, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो है आपका क्या होता है, आयंस का इंटरचेंज होता है, आयंस का क्या होता है, इंटरचेंज होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आयंस का इंटरचेंज होता है। चलो नेक्स्ट, इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 के बीच में और बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 के बीच में जो है आपका रिएक्शन कौन सा हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो हो रहा है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है आपका सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में हो रहा है, तो किसके कारण से हो रहा है, क्या एक्सचेंज हो रहा है, एटम एक्सचेंज हो रहे हैं तब वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, चेंज एक्सचेंज ऑफ आयंस, भाई अभी जस्ट मैंने बताया एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस अभी जस्ट मैंने बताया है, समझे कि नहीं। तो जस्ट जो है अभी मैंने बताया है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस जो है वो आपका होता है, चलो ठीक है, तो ये तो हमें मिल गया। अब एक्सचेंज ऑफ एटम तो नहीं होगा जब आयन का एक्सचेंज होना है, तो यानी ये वाला कट जाएगा। नेक्स्ट, प्रिसिपिटेट फॉर्म, तो यार देखो जब Na2SO4 का रिएक्शन करते हैं नीचे होगा कहीं, हाँ देखो Na2SO4 का BaCl2 से करते हैं तो BaSO4 बनता है, एरो देखो नीचे की ओर बना है यानी प्रिसिपिटेट फॉर्म बन रहा है, यानी Cb हो जाएगा। इन सोल्यूबल सॉल्ट इन, अब भाई प्रेसिपिटेट बना तो इन सोल्यूबल होगा ही, यानी डी भी हो जाएगा। तो बी सी डी किस में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, मजा आ गया। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि जो इनिशियल में जो सब्सटेंस था वही फाइनल में भी वही सब्सटेंस रहे है, इनमें से कौन कौन सा है। तो भाई मिल्क से वो बना है दही, ये नहीं हो सकता है। क्रिस्टल फॉर्मेशन और क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन से वो क्रिस्टल में फॉर्म हुआ है, ये हो सकता है। ग्रेप्स फर्मेंटेशन से, भाई ग्रेप्स तो वो हो जाते हैं, ये भी नहीं होगा। डाइजेशन ऑफ फूड से, भाई डाइजेस्ट हो जाता है फूड, ये भी नहीं होगा। यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा कि इनिशियल में भी वही था फाइनल में भी वही रहेगा, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केमिकल चेंज में। चलो नेक्स्ट, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन केमिकल रिएक्शन, सो H2O प्लस Cl2 मिलकर 2HCl हो रहा है, इसे बताना है कि ये कौन सा जो आइडेंटिफाई कौन सा रिएक्शन है। तो देखो H2 Cl2 दोनों कंबाइन हो रहा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको बताना है इस रिएक्शन को जो है कोई एक बैलेंस यानी कॉम्बिनेशन का एक अदर कोई रिएक्शन आपको पता कर दिखाना है। तो सोडियम को क्लोरीन से कर दो तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट बन जाएगा, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। चलो सर, 11वां क्वेश्चन है कि स्टेट अदर टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि बताना है कौन कौन से टाइप का है। तो ये ए है, ये बी है, अब यहाँ से ए जो है वो बी को हटा के खुद घुस गया है, तो ये क्या है, सिंगल डबल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे ए है बी है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो कौन सा होगा, ए है बी है नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, या फिर आप यहाँ बोल सकते हैं कि ए बी फॉर्म हो जा रहा है, ए और बी से ए बी फॉर्म हो जा रहा है, तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो पी है, क्यू है, आर है, आर एस है, तो इस बार पी एस हो गया और क्यू आर हो गया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। उसी तरह से आप इसको देख लेंगे और इसको आप मेरे तरफ से होमवर्क बताएंगे कि ये क्या होगा। ठीक है, चलो बता देते हैं यार। देखो यहाँ से A2O3 जो है वो आपका क्या कर रहा है, A2O3 जो है वो अपना ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है और B जो है ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, तो रिड्यूस और ऐड में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडक्शन और एडक्शन, ये आपका, और या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी या रिडॉक्स रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वाज टेकन इन ए चाइना डिश, चाइना डिश में जो है 1 ग्राम पाउडर लिया, यानी कि इस तरह से इसमें जो है कॉपर पाउडर ले लिया है और उसको हीट कर रहे हैं, व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन हीटिंग, हीटिंग करने पर क्या चेंजेस आएंगे वो आपको बताना है। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर द हीटेड सब्सटेंस, हीटेड सब्सटेंस हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं तो हमें उसमें क्या देखने को मिलता है, और उसका रिएक्शन भी आपको बताना है, नेम बताना है, कलर बताना है आपको, ये सारा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो देखो एक चाइना डिश में जब आप कॉपर पाउडर लोगे तो वो रेडिश ब्राउन सरफेस जो है आपका होता है कॉपर पाउडर का, बिकम्स जब उसको जो है कोटेड रहता है रेडिश ब्राउन से,
जब हम उसमें से ऑक्सीजन गैस को जो है पास कराते हैं, तो वो ब्लैक रंग का सब्सटेंस होता है, और वो कौन सा होता है, वो कॉपर ऑक्साइड होता है, CuO होता है। तो ये आपका होगा जब हम उसमें से ऑक्सीजन को पास कराएंगे, और हाइड्रोजन को जैसे ही पास कराओगे तो फिर से वो उसी सब्सटेंस में आ जाएगा, यानी रेडिश ब्राउन में आ जाएगा, कॉपर प्लस H2 आ जाएगा। ये आपका यहाँ पे पूरा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, और इसको लैंग्वेज में आप इस तरह से लिख लेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है सर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 के, एक कंपाउंड ए है जो यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट के लिए। अब देखो सीमेंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, सबको पता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है सर। चलो सर, तो व्हेन डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व करते हैं भाई कैल्शियम, अभी ऊपर जस्ट पढ़ के आए कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये लो हमने दोनों बता दिया, ए और बी दोनों सब्सटेंस हमने बता दिया। चलो ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए सर, समझ गए। इट इवॉल्व्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड फॉर्म्स ऑफ सब। तो ये देखो, ए आपको बताना है कि इस केमिकल इक्वेशन में ए कौन सा है। तो ये यार देख लो, ए जो है वो CuO है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट के लिए, और बी जो है हाइड्रोक्साइड है या टू होगा, बस हो गया। अब सेकंड में कह रहा है लिस्ट, अब इसका रिएक्शन आपको बताना है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, वाटर से करें। थर्ड में आपका कह रहा है, अच्छा ये रिएक्शन ये थर्ड में कह रहा है कि लिस्ट दो, आपको जो है इस रिएक्शन का जो है आपको दो एग्जाम्पल देना है, तो कुछ भी दे लीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंबाइन हो रहा है जाके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कुछ भी ये दो रिएक्शन दीजिए, अमीन का दे दीजिए, एक ये नाइट्रोजन ऑक्साइड का दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं आप, एग्जाम्पल दे दीजिएगा जो भी आपको वहां पे आएगा, आप ये भी दे सकते हैं, याद रखेंगे तो खुद। ठीक है चल, मेंशन विद द रीजन द कलर चेंजेस ऑब्जर्व, यानी यहाँ पर रीजन आपको बताते चले जा रहा है कि सिल्वर क्लोराइड जो है एक्सपोज टू सनलाइट, सनलाइट में अगर सिल्वर क्लोराइड को खोल दे तो क्या होगा, यानी खुले में रख दे तो क्या होगा, कॉपर पाउडर स्ट्रॉन्गली हीटेड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अभी पढ़ क्या है। ठीक है, और तीसरा है आपका कि एक जिंक का जो है पीछे छोटा सा जिंक ले लेते हैं, उसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो पहला, अगर आप सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट होता है सनलाइट में रखोगे तो वो ग्रे कलर का हो जाएगा, क्लोरीन उसमें से बाहर निकल जाता है, ये आपका होगा, उसी को इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है पढ़ लेना। ये रिएक्शन, इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, याद रखेंगे। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट के प्रेजेंस रखते हैं तो सिल्वर रह जाता है ग्रे कलर का, तो क्लोरीन बाहर निकल जाता है, यानी कलर जो है ग्रे हो जाता है व्हाइट से। ये वाला तो पढ़ क्या है यार, कॉपर में ऑक्सीजन से करते हैं तो ब्लैक रंग का PPTO जो है बन जाता है, फॉर्मेशन बन जाता है यहाँ पे एक सब्सटेंस। नेक्स्ट है जिंक को जब आप जो है कॉपर सल्फेट रखेंगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर को बेचारा मार के बाहर निकाल देगा, रेडिश कलर, यार जो पूरा सोल्यूशन है वो कलरलेस में आ जाएगा क्योंकि कॉपर तो बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये होगा, और वहाँ जो है आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ है आप पढ़ लेंगे, ठीक है, PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 15, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन एडेड कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में ऐड कर रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन से। ठीक है, पहला है नेम बताना है और कलर बताना है प्रेसिपिटेट का, बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसको बनाना है, और तीसरा में है टाइप बताना है कि कौन सा रिएक्शन का टाइप है। तो देखो, जब लेड नाइट्रेट को ऐड करोगे पोटेशियम आयोडाइड से, ठीक है, लेड नाइट्रेट यानी PbNO3, पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki, तो वहां पे एक येलो प्रेसिपिटेट बनेगा लेड आयोडाइड का, यानी PbI2 का एक येलो प्रेसिपिटेट जो है वहां फॉर्म होगा, और वही हमसे पूछा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और एक कप का पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो बनेगा, यानी KNO3 जो आपका बन जाएगा, ये आपका यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, PbNO3 होल ट्वाइस 2 Ki, PbI2 बनेगा और 2 KNO3 जो है आपका यहाँ पे निकल जाएगा एक क्वेश्चन। थर्ड में था इसका टाइप बताना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसिंग हो रहा है, डबल बार हो रहा है, PB जो है वो I से जा रहा है, K जो है वो NO3 से जा रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वो प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है चलो, तो इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, 15 तक हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीड हम लोग का काफी अच्छा है, बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। 17 नंबर देखते हैं, आइडेंटिफाई करना है रिएक्शन कौन सा है, कैसे राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन दिस। पहला आइडेंटिफाई करना है, यानी जिंक को रिएक्ट करना है सिल्वर नाइट्रेट से, तो जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बन रहा है, बताना है ये कौन सा रिएक्शन है। तो जिंक को जब सिल्वर नाइट्रेट से करेंगे, AgNO3 से करेंगे, तो Ag तो बेचारा बाहर निकल जाएगा और जिंक वहां पे आ जाएगा, तो एक बार डिस्प्लेस हो रहा है, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। 17 भी हो गया। 18 देखते हैं भाई साहब, 18 नंबर आ गया आपके सामने स्क्रीन पे। सर 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है हीट कर रहे हैं ड्राई बॉलिंग ट्यूब में, ठीक है, तो अब क्वेश्चन है, पहला दो ऑब्जर्वेशन हमें क्या क्या देखने को मिलेंगी, टाइप बताना है रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का, और बैलेंस इक्वेशन उसका बताना है। तो
तो देखो फेरस सल्फेट क्रिस्टल को यानी Fe(SO4.7H2O) को जब तुम आप क्या करते हो, हीट करते हो ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, तो वहां से वाटर का लॉस हो जाएगा यानी 7H2O का लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा कब, जब आप उसको हीट करते हैं, और जो कलर है क्रिस्टल का वो भी चेंज हो जाएगा यानी कि इट डैन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, यानी Fe(SO4) जो है वो फेरिक ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा, प्लस में सल्फर ऑक्साइड में, प्लस में सल्फर ट्राईऑक्साइड में जो है वो हो जाएगा। सल्फर ट्राईऑक्साइड का स्मेल जो है वो हमें देखने को मिलेगा जब वो जलेगा, तो सल्फर का स्मेल जो है ना जलने हुआ स्मेल हमें पता चलेगा कि हाँ सल्फर का स्मेल आ रहा है यानी सल्फर उसमें फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये कह रहा है ये बताना है टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है, तो यार थर्मल डिकम्पोजिशन इस तरह के रिएक्शन को, यानी Fe(SO4) का जब हम लोग हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, याद रखें। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ एक चीज कहना भूल गया भाई, ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना वंस वन शॉट में, वन वन शॉट में हम लोगों ने सारा लेक्चर कंप्लीट किया है, वन वन शॉट में, समझ गए। पहले चैप्टर का जो है वो 6 या 7 पार्ट में है, लेकिन छोटे छोटे जो है वो लेंथ में 15-15 मिनट का वीडियो है। ठीक है, यानी 1 घंटे में जो है वो भी पूरा 7 पार्ट जो है वो पूरे 1-1 घंटे का है, 1 घंटे का है, आप उसको देख लेंगे 1 घंटे आराम से, तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज बता दें, जितने भी ये क्वेश्चन जो हम लोग अगर कर रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन उस मतलब कि टॉपिक सारे क्वेश्चन को उस वाले जो वीडियो है जो जिसमें हम लोग चैप्टर पढ़े हैं, सारे क्वेश्चन को वहां डिस्कस किए हैं एज ए थ्योरी, थ्योरी के फॉर्म में हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। तो यार मैं बता रहा हूँ, जिनका अभी तो कुछ नहीं तैयारी हुआ है प्लीज जाके देखे, वन शॉट लेक्चर बना पड़ा है और वहां से ही क्वेश्चन आएगा, हम बता रहे हैं बार बार, वहीं से क्वेश्चन आएगा भाई, वहीं से, बात मानो। प्लीज आप उसको जाके कंप्लीट करें लेक्चर को। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वन शॉट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का भी रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं अपलोड कर दूंगा और आप उसको भी देख लीजिएगा, उसका भी आपका क्वेश्चन आंसर का रिकॉर्डिंग चल रही है, सब चीज आपको मिल जाएगा टाइम से पहले, हड़बड़ाओ नहीं, और एग्जाम से यहीं से क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा, ये भी बात ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यू माइट हैव नोटेड, हम लोग जो है नोट यहाँ से करते हैं कि व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन ए चाइना डिश रेडिश ब्राउन सरफेस, ये वाला ऊपर जस्ट अभी पढ़ के आया है, चाइना डिश को हम लोग जब वहां रखते हैं तो ब्लैक पीपीटी जो है बनता है, जस्ट पढ़ के आया। अब इसमें से कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा है, व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, क्यों ब्लैक सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होता है, पहला आया क्वेश्चन। दूसरा है कौन सा वो ब्लैक सब्सटेंस है वो बताना है, तीसरा है राइट द केमिकल इक्वेशन आपको बताना है, चौथा है हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न रेडिश ब्राउन, फिर से हम उसको कैसे रेडिश में कर सकते हैं कन्वर्ट, और ये सारा ऊपर पढ़ के अभी जस्ट आया, नहीं पढ़े हैं बात बताना है? पढ़े हैं ना जी सर, पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़ के आया। ठीक है, चाइना जो बोर्ड एक कोर्ट वाला था उसमें पढ़ के आए थे, चाइना का जहाँ वो था, तो इसका पहला बनेगा कि क्यों जो है वो आपका वहां पे ब्लैक हो जाता है कन्वर्ट, तो द ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इसलिए हो जाता है बिकॉज, क्योंकि जो कॉपर है कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, हम लोग पढ़ के जस्ट अभी ऊपर आए हैं, ब्लैक सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, और फिर से इसको रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट करने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, सी वाले में क्या था इसका केमिकल रिएक्शन अच्छा ये, तो केमिकल रिएक्शन होता है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक फॉर्म में फॉर्म होता है, ये सी। डी वाला में कह रहा है कि हम लोग कैसे रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट करेंगे, तो भाई हाइड्रोजन से रिएक्ट कर दो, फिर से वो रेडिश ब्राउन में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला चीज हम लोग अभी जस्ट ऊपर पढ़ के हैं, देख सकते हैं कि ये बार बार जो है आपके एग्जाम में रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ के चले जाना सारा, जितना भी है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो रिक्वायर एनर्जी मांगता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में या फिर लाइट के फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, ब्रेक डाउन करने के लिए रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, तो यहाँ पे जो है आपको इक्वेशन जो है वो आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बताना है, जिसमें एनर्जी जो है सप्लाई किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। ठीक है, ये आपको बताना है, तो पहले आप देख लेते हैं हीट के फॉर्म वाला एग्जांपल, तो जिंक जो कार्बोनेट है इसको जब आप हीट देते हैं तो जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म होता है, यहाँ पे हीट देखिए हम दिए हैं, पहला हो गया। दूसरा लाइट वाला देख लेते हैं, तो हाइड्रोजन जो वाटर है या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2, देखिए H2O2 है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 को हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, लाइट के फॉर्म में करेंगे तो वाटर और ऑक्सीजन जो है हमें मिल जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल देख लें तो अल्यूमिनियम जो है अल्यूमिना जिसको बोलते हैं अल्यूमिना, अल्यूमिना का इलेक्ट्रिसिटी से पास करवाएंगे तो अल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जो है हम लोग मिल जाता है, ये एग्जांपल आप याद रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है, चलो सर,
21वां नंबर है कि 3 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है टेस्ट ट्यूब में है, ऐड कर रहे हैं 2 ग्राम अल्यूमिनियम क्लोराइड एंड मिक्स कर रहे हैं उस पूरे कंटेंट को ग्लास रॉड में। नाउ टचेज द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब को टच कर रहे हैं आउटसाइड से, तो क्या फील होगा हमें ये बताना है, स्टेट इन द रिएक्शन बताना है, और उसके बाद वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बताना है। तो देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब हीट करेंगे अल्यूमिनियम क्लोराइड से तो द बॉटम में जो टेस्ट ट्यूब है वो ठंडा हमें महसूस होगा, याद रखना। कैसा? नीचे का जो टेस्ट ट्यूब है हमें ठंडा महसूस होगा, ठंडा 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 लगेगा। ये है ठंडी 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 गर्मी कूल का, गर्मी कूल का। चलो एग्जाम में बैठे हो तो गर्मी का आनंद आएगा, बैठो तुम एक बार एग्जाम में जाके। अरे सर क्यों डरवा रहे हैं हमें भाई, डरवा नहीं रहे हैं। अगर तुम ये सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, वन शॉट वीडियो हमारा सारा देख लिए ना, उसके बाद वहां पे आपको ठंडी जैसी महसूस होगी एग्जाम में, और नहीं पढ़ के गए हो भाई तो फिर तो यार गर्मी लगेगी। कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हमें यहाँ से एनर्जी हमें देनी पड़ती है इस रिएक्शन को करने के लिए। रिएक्शन बना बेरियम हाइड्रोक्साइड का और अमोनियम क्लोराइड का, तो बेरियम क्लोराइड प्लस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बन गया, ये रिएक्शन, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, एक सोल्यूशन है पोटेशियम क्लोराइड का जो कि मिक्सड कर रहे हैं उसमें सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, इनसोल्यूबल व्हाइट सब्सटेंस हमें फॉर्म हो रहा हो दिख रहा है, तो उसका रिएक्शन बताना है। तो ये देख लो इसका इजी है, तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है, ये सिल्वर नाइट्रेट को पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे तो भाई डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। ये रिएक्शन अभी जस्ट ऊपर पढ़ के भी हम लोग आए हैं, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, तो समझाने लायक है ही नहीं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं यार वन शॉट में। चलो नेम बताना है इनका, ये कौन कौन सा रिएक्शन है। तो यहाँ देखो ये आपका कंबाइन हो जा रहा है, कॉम्बिनेशन, ये देखो ये रिएक्शन बार बार आ रहा है, ये सारे जितने भी पढ़ के हैं ऊपर। तो ये वाला जो है आपका प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है, आपको बताया था BSO4 प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, तो ये प्रिसिपिटेट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था, तो ये वाला है। देख रहे हो बोर्ड में आपका बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब चीजें याद रखा करो। रिड्यूसिंग रिएक्शन आपसे डिफिनेशन पूछा है, और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कुछ एग्जाम्पल आपको कहा है, मतलब इसमें बताना है कि इसमें कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है कौन रिड्यूस कर रहा है इन दोनों में। तो पहले रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा आपका डिफिनेशन, कि दूज रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऐसे मतलब एक ऐसे रिएक्शन में जिसमें हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं किसी भी सब्सटेंस में, या फिर रिमूव करते हैं ऑक्सीजन को, यानी हाइड्रोजन को ऐड करो या ऑक्सीजन को रिमूव करो, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, उसी को हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन का उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। तो इस रिएक्शन में देखो तो ये Fe2O3 जो है वो यहाँ Fe में आ रहा है, यानी अपना ऑक्सीजन को ये क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा, और ये अल्मोनियम ऑक्सीजन को अपने अंदर ऐड कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उसी तरह से इसको होमवर्क रख लेना मेरे तरफ से, इसको आप कर लेना, ठीक है। ठीक है सर, मजा आ रहा है लेकिन पढ़ने में, मजा तो आएगा ही भाई। 25वां है, कैन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, इस रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, एक्सप्लेन करना है एक एग्जांपल से, बताना है। राइट द केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन आपको जो है वो देना है, ठीक है। कौन सा केमिकल रिएक्शन? पहला एसिड और बेस से रिलेटेड एक केमिकल रिएक्शन आपको बना के दिखाना है, और रस्टिंग ऑफ आयरन से केमिकल रिएक्शन बना के आपको दिखाना है। तो पहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या रिडॉक्स रिएक्शन होता है कि नहीं होता वो देख लेते हैं। तो ये जिंक जो है वो आपका यहाँ पे देखो ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ कॉपर जो है ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है तो रिडक्शन, ये तो आपका रिडॉक्स रिएक्शन है ही। और देखो यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट है, यस। तो हम कहेंगे कि यस ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है, यस सर, ठीक है। चलो ए का तो मिल गया, बी का देखते हैं। बी वाले में जो रिएक्शन एसिड और बेस का होता है, तो सबको पता है कि एसिड बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, उसमें ऑक्सीजन जो है वो आयरन पे अटैक करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है आयरन पे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वही यहाँ पे दिया हुआ है। चलो सर मजा आ रहा है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग को पता कम से कम चल रहा है। चलो नेक्स्ट है, मेंशन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस, यहाँ पे बताना है कि मैग्नीशियम रिबन जो बर्न होता है एयर से, तो ये कौन सा केमिकल रिएक्शन, मतलब यहाँ पे रिएक्शन का बताना है, रिएक्शन ये भी बताना है कौन सा टाइप का है।
तो ये देखो, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना पाउडर में, तो ये जो है आपका देखिए कंबाइन हो रहा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनेगा। लाइम स्टोन को जब हम हीट करते हैं, लाइम स्टोन CaO3, याद रखेंगे लाइम स्टोन CaO3 होता है, ठीक है, इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम क्विकलाइन जिसको CaO कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे देखिए ये आपका टूट रहा है यानी डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड में है आपका सिल्वर ब्रोमाइड को जो हम लोग सनलाइट मिला रहे हैं, फोर्थ में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं एसिडिफाइड वाटर में, और फिफ्थ में है अमोनिया को हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन कर रहे हैं। ये सारा रिएक्शन ऐसे ऊपर पढ़ के हम लोग आ भी चुके हैं। सो AgBr का रिएक्शन करेंगे तो Ag+Br यानी टूट रहा है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। यहाँ भी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, वाटर में इलेक्ट्रोलाइटिक कर रहे हैं यानी इलेक्ट्रिक करेंट दे रहे हैं तो, और अमोनिया का भी देखिए यहाँ कंबाइन हो रहा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस सारे क्वेश्चन को करेंगे, रिएक्शन आप सब याद रखेंगे, आपका एग्जाम में फंस जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स ऑयल आर लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी लॉन्ग टाइम के लिए जो है हम लोग फैट्स और ऑयल जो है अगर हम एक फूड मटेरियल से जो है वो क्या कर दें, लेफ्ट कर दें, निकाल दें बहुत कुछ लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत समय के लिए, तो क्या होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। दो ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ बताना है कि क्या चेंज होगा, सजेशन देना है कि क्या इसका प्रिवेंट से कैसे बच सकते हैं, अगर खाना खराब हो जाए तो उसको कैसे बच सकते हैं। सो देखते हैं। सो फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स एंड फूड सबको पता होता है चेंजिंग देयर टेस्ट और स्मेल को चेंज कर देता है वो फैट्स एंड फूड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि उसमें रेंसिडिटी प्रेजेंट रहता है। रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है जिसमें एयर जो है वो रिएक्ट करता है फैट्स एंड ऑयल से, विच चेंजेस स्मेल और टेस्ट को जो है वो चेंज कर देता है। बचने का तरीका है वैक्यूम पूरा बढ़िया से पैक कर दो खाने को, रेफ्रिजरेटर में डाल दो, या फिर जो प्लेसिंग है फूड मटेरियल का वो ऐसे जगह पे रखो जहाँ पे सनलाइट ना आता, डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पे ना आता, ये हो गया आपका प्रिवेंट उसका। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 27वां भी 28वां क्वेश्चन देखते हैं सर। 28वां है, व्हाई इज द रेस्पिरेशन कंसिडर्ड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेस्पिरेशन जो है वो क्यों कंसिडर्ड किए जाते हैं, क्योंकि भाई इसमें हीट जो है वो आपको निकलता है। देखो यार हीट यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी जो है हमें निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये आपका रिएक्शन देख सकते हैं, एनर्जी बाहर निकल रहा है इसीलिए हम इसको बोलते हैं। अब ये रिएक्शन यहाँ पे दिया है कि डाइजेशन कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज, हमारे एनर्जी फॉर्म होता है तो, ठीक है, और द स्पेशल नेम, इसलिए इस रिएक्शन के स्पेशल नेम है रेस्पायरेशन। दूसरी रेस्पायरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी जो है प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस के दौरान, यही कह रहा है। दूसरा है कि इसका केमिकल रिएक्शन और फार्मूला बताना है, तो दूसरा में देखिए किसका किसका केमिकल रिएक्शन और फार्मूला बताना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, लीड नाइट्रेट का। सो लीड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तो इसको हीट करते हैं तो लीड मोनोऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन में फॉर्म होता है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स का होता है, याद रखें, यानी इसमें ब्राउन फ्यूम्स का धुआं निकलता है, ठीक है, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो ये आपका इस तरह का आपका ये रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ब्राउन गैस इन्वॉल्व होता है, नाइट्रोजन गैस आपको भी पता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि वाई चिप्स मैन्युफैक्चर फ्लश बैग चिप्स कैन गैस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस जो है हम लोग उस चिप्स जो पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, ताकि खाना खराब ना हो, वो चीज जो है वो खराब ना हो, ये चीज़ अब आपको पता है। एटमोस्फेरिक गैस ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करेंगे चिप्स से, ठीक है, तो उसका चेंज हो जाएगा टेस्ट कलर सब चीज़ चेंज हो जाएगा, तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग उसमें नाइट्रोजन गैस को हम लोग डालते हैं, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है इंग्लिश में, ठीक है, पढ़ लेंगे इसको आराम से। नेक्स्ट, व्हाई नीड बैलेंस स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, स्केलेटन केमिकल रिएक्शन को क्यों हमें जरूरत पड़ता है बैलेंस करने के लिए, रीजन बताना है। सो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन इज आर अनबैलेंस, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस होता है, इसलिए हमें जरूरत पड़ता है उसको बैलेंस करने के लिए, बिकॉज क्योंकि हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कहता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो जो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है उसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इट स्टेट दैट, अब सबको पता है कि मास ज्यादा नॉट डिस्ट्रॉयड, देयरफॉर द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस एंड, इसलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं। 30 क्वेश्चन है, रिड्यूसिंग एजेंट जो है आपको इसमें से बताना है कि इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव, इसमें से कौन जो है वो मोर रिएक्टिव है, क्या Mn है, मैंगनीज है, या फिर अल्यूमिनियम है, ये बताना है, और अगर इसमें से जो मोस्ट रिएक्टिव वो क्यू है ये भी आपको बताना है। तो देखो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ध्यान से समझना, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग
एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि ये अपने अंदर ऑक्सीजन को ऐड करेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऐड करेगा, और हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ठीक है, रिमूव करेगा हाइड्रोजन को, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये रिडक्शन नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट है, उल्टा हो जाएगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, जस्ट उल्टा, यानी ये हाइड्रोजन को अपने अंदर ऐड करता है और ऑक्सीजन को रिमूव करता है, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट देखिए, अल्मोनियम अपने अंदर जो है ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, तो अल्मोनियम रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अल्मोनियम जो है वो मोर रिएक्टिव होगा मैंगनीज से, ये रिएक्टिविटी सीरीज से आपको पता चलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज में अल्मोनियम पहले आता है, मैंने ट्रिक के द्वारा जो है वो बताया है वीडियो में, लेक्चर के द्वारा, आप देख लेंगे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंगनीज से ज्यादा अल्मोनियम हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा मैंगनीज को। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे आपको वहाँ बताना है ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, कंबाइन हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे डबल डिस्प्लेस हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, प्रिसिपिटेट BSSO4 का फॉर्म होता है, ये रिएक्शन हम लोग बहुत बार पढ़ लिए, और ये भी अभी पढ़ के आए हैं कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, बहुत बार ये रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए। चलो सर, नेक्स्ट नेक्स्ट है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन विद अ चेंज ऑफ टेक प्लेस एन एग्जांपल, कलर इन चेंज, चेंज कलर का एक आपको एग्जांपल देना है केमिकल इक्वेशन। तो कॉपर और HgNO3 का रिएक्शन करते हैं, तो कॉपर नाइट्रेट और यहाँ पे सिल्वर बन जाता है, जिसमें कि जो ब्लू कलर है कॉपर का, वो जो है आपका चेंज होता है शाइनी सिल्वर मेटल में जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, ये आपका यहाँ पे कलर चेंज हो गया। टेम्परेचर चेंज में देखेंगे तो NaOH का HCl से रिएक्शन करें तो NaCl और H2 बनेगा, तो हीट जो है बाहर निकलता है, यहाँ देखिए टेम्परेचर जो है आपका क्या हो रहा है, चेंजिंग आ रही है। और प्रेसिपिटेट फॉर्म में यार वो BaSO4 वाला भी आप लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे डी नाइट्रेट वाला भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे PbI2 बनेगा और KNO3 जो है बनेगा, ठीक है, तो ये आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म में आपका हो जाएगा, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट बनता है, ये भी रिएक्शन हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, PbO2 का जो है वो वाला येलो प्रेसिपिटेट जो है यहाँ पे इसका बन जाता है, ठीक है। चलो तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मजा आ रहा है, देखो आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर पढ़ा हूँ, ठीक है, बात करेंगे, क्वेश्चन बहुत कम हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, हम सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में आपका जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दे, ताकि आप एक ही बार में पूरा क्वेश्चन को निपटा दे, इसलिए मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैग्नीशियम वायर को बर्न करना है एयर से, ये रिएक्शन आप 10 बार पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या रहा है, एडिशन ऑफ रिएक्शन हो रहा है, इसलिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन भी शो करता है। इलेक्ट्रिसिटी वाला रिएक्शन भी हम लोग पढ़ के हैं वाटर का, एमोनिया वाला भी जो हम लोग रिएक्शन अभी ऊपर पढ़ के हैं कि NH3OHCl से रिएक्शन करते हैं तो एमोनियम क्लोराइड बनता है, NH4Cl बनता है, और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सब चीज पढ़ के आए हैं अभी ऊपर जस्ट, अब बस सब रिपीटेड ही क्वेश्चन है। 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है वो हीट कर रहे हैं ड्राई बॉलिंग ट्यूब में, तो ये दो ऑब्जर्वेशन बताना है, नेम बताना है, और इनका जो है केमिकल रिएक्शन बताना है। सो आपको पता है कि फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर जो है आपका फॉर्म हो जाएगा इस रिएक्शन, ठीक है, फेरस सल्फेट 2 ग्राम जब हीट करेंगे ड्राई टेस्ट ट्यूब में बॉइलिंग करेंगे तो, ठीक है, तो रेडिश ब्राउन कलर का जो है एक सॉलिड आपका वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा और ग्रीन कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। स्मेल जो है वो सल्फर का हमें इसमें हल्का सा देखने को मिलता है, वही वाला है Fe2, ये वाला रिएक्शन, ये वाला देखो, ये वाला रिएक्शन है, कहाँ गया, ये वाला Fe2 FeSO4 का रिएक्शन करते हैं, हीट करते हैं, तो Fe2SO4 ये वाला रिएक्शन जो है वहां पे फॉर्म करेगा, ठीक है, यही वाला रिएक्शन जो है वो आपका कहाँ पे, यहाँ पे फॉर्म करता है, कहाँ गया, लिखा भी हुआ है देखो, ये तो लिखा भी हुआ है ये वाला रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर का जो आपका वो चीज होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉर्म होता है, और ये रिएक्शन आपको यहाँ दिया है, रिएक्शन को याद कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये सारे हैं, याद रखना। चलो सर आगे बढ़ते हैं, 35वां क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करना है, एंड क्यों हम लोग बैलेंस करते हैं, ये सारा चीज अभी ऊपर पढ़ के भी आए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के द्वारा हम लोग इसलिए इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, सब चीज पढ़ के आए हैं। राइट एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको दिखाना है, फेरस का जो है फेरस फॉस्फोरस को बर्न करते हैं एक क्लोरीन के प्रेजेंस में, तो फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड बनता है, ये आपको रिएक्शन बना के दिखाना है, नेचुरल गैस का बर्निंग करते हैं, और द प्रोसेस जो है आपका, ये क्या कह रहा है यार, अच्छा बी वाला है ना, बी का आपको बताना है, अब तीसरा में है कि आपको रेस्पिरेशन का प्रोसेस बताना है क्या है, ठीक है, ए में आपको डिफाइन करना है क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन और क्यों होता है, बी वाले में ये 3 रिएक्शन आपको बनाकर दिखाना है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप यार होमवर्क कर लेना खुद से,
बैलेंस केमिकल का जो हम लोग 10 बार पढ़ चुके हैं, यहाँ लिया है, पढ़ लेना। केमिकल रिएक्शन का बी वाला देखते हैं कि फेरस को बर्न कर रहे हैं क्लोरीन के साथ, तो फेरस को बर्न करना है 10 मोल्स ऑफ क्लोरीन के साथ, तो 4 मोल्स ऑफ PCl5 जो है बन रहा है, फेरस पेंटाक्लोराइड बन रहा है। क्लोरीन को जब रिएक्शन कर रहे हैं यानी मीथेन को जो है हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, नेचुरल गैस क्या होता है, मीथेन होता है, तो मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनेगा और हीट एनर्जी बाहर निकलेगा। ये आपका रेस्पिरेशन का जो है आपका है ये इक्वेशन, आप इसको याद रख लेना, 10 बार हम लोग ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन की एक्सप्लेन करना है दो वे फूड इंडस्ट्रीज प्रिवेंट रेंसिडिटी का, आपको बताना है दो तरीका। तो रेंसिडिटी को बताने का दो तरीका है कि ऐड कर दो कोई एंटीऑक्सीडेंट जो है जो फूड को खराब ना होने दे, फैट और ऑयल, ठीक है, और ब्यूटलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल जो है वो ऐड कर दो, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ब्यूटलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसको ऐड कर दो टू बटर एज एंटीऑक्सीडेंट की तरह, ठीक है। दूसरा इसका देखेंगे, यही पहला वाला क्वेश्चन ए का देख रहे हैं, दूसरा प्रिवेंट कर सकते हो कि पैकेज काफी बढ़िया से करो उसका और उसमें नाइट्रोजन गैस भर दो, ठीक है, तो उससे भी हम लोग बचा सकते हैं। बी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन मेटल इंडस्ट्रीज में, 3 पॉइंट जो है वो आपको डिस्कस करने हैं। तो पहला है कि मोल्टन NaCl जो है वो इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, तो डिकम्पोज करते हैं तो हमें सोडियम मेटल फॉर्म मिल जाता है। एल्यूमिनियम मेटल जो है वो ऑब्टेंड होता है कब, जब हम लोग इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन जो है करते हैं बॉक्साइड ओर का, ठीक है, क्रायोलाइट में से, तो एल्यूमिनियम मेटल मिल जाता है। कार्बोनेट ओर जो है हमको मिलता है थर्मल करने पर डिकम्पोजिशन मेटल ऑक्साइड का, ठीक है, तो हमें कार्बोनेट ओर जो है हमको मिल जाती है। ऐसे भी ये क्वेश्चन आएगा नहीं, इसमें से सिर्फ पहला वाला आएगा, दूसरा वाला नहीं आएगा, ठीक है। चलो व्हाट ऑब्जर्वेशन, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन इज एडेड टू द सोल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट। यार ये भी रिएक्शन हम लोग पढ़ के हैं, पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट से रिएक्शन करते हैं तो ये प्रिसिपिटेट फॉर्म इसका बनता है, ये चीज अभी बार बार पढ़ के आ रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है, चलो ठीक है, तो ये कर लेना। नेक्स्ट 38वां है, केमिकल रिएक्शन बताना है आपको यहाँ पे टेक प्लेस इन आयरन रिएक्ट विद स्टीम, पढ़ के आए हैं, इससे रिएक्शन स्टीम से रिएक्शन करता है तो ये मैग्नीशियम रिएक्शन विद HCl Mg से करोगे तो ये वाला रिएक्शन आपका बनेगा, कॉपर को ऑक्सीजन से करोगे कॉपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है, सारा ये अब ये इजी हो गया यार आपसे। चलो इलेक्ट्रिसिटी हीट और लाइट का भी जस्ट ऊपर हम लोग करके आए हैं, देख लेंगे वहीं से, ठीक है, और यहाँ भी लिखा हुआ है ये देख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल अभी जस्ट ऊपर करके आए, SW याद रखिएगा, लर्न कर लीजिएगा। स्टेटमेंट अब करेक्ट, कॉपर डिस्प्ले जो है डिस्प्ले सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ये भी हम लोग जो है अभी करके आए हैं ऊपर, ठीक है, ये भी रिएक्शन करके आए हैं, इसको देख लेना, ये जो है आपका मोर रिएक्टिव, हमें तब पता चलेगा जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज का नॉलेज होगा, और रिएक्टिविटी सीरीज मैंने सारा चीज जो है आपको वन शॉट वीडियो में सब करा रखा है, आप जाकर वहाँ देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। स्केलेटन टाइप रिएक्शन जो है वो क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे होता है, इक्वेशन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वाटर का बताइए, डिफरेंस बताइए स्केलेटन इक्वेशन का, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, ये चीज़ें हैं। तो यार हम बता चुके हैं 10 बार, द इक्वेशन इन विच गैसियस आर रिटन इन एटोमिक फॉर्म, ये गैसेस को हम लोग एटोमिक फॉर्म के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्म में, और इक्वेशन इज नॉट बैलेंस, इक्वेशन उसमें बैलेंस ना हो तो हम लोग उसको कहते हैं स्केलेटन टाइप इक्वेशन, यानी कि हम लोग इस तरह से लिख दें लेकिन ये पूरा इक्वेशन बैलेंस ना हो तो हो गया स्केलेटन रिएक्शन, ठीक है, ये कह रहा है रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक स्टेट इक्वेशन इज नॉट बैलेंस, ठीक है, तो ये आपका स्केलेटन फॉर्म हो गया जिसमें इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन दो है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ एक ही है, ठीक है, तो ये स्केलेटन रिएक्शन हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। चलो ये भी स्केलेटन हो गया, देखो स्केलेटन है, अब इसको बैलेंस कर दोगे तो अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, यही डिफरेंस है, स्केलेटन में इक्वेशन बैलेंस नहीं रहता है और बैलेंस करेंगे तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाता है, समझे कि नहीं चचा, समझ गए सर, समझ गए। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई करना है, तो भाई ये सारे रिएक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई करके देख लिए थे, इसको पढ़ लेना है, SW में है, ऊपर ही हम लोग पढ़े थे। चलो सर, वाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, वाट डज द कलर चेंज आफ्टर हीटिंग, हीट करने बाद कैसा कलर चेंज होगा, ये सारा जो है हम लोग पढ़ चुके हैं यार, फेरस सल्फेट जो है वो पेल ग्रीन कलर का होता है, कलर चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन में हो जाता है जब हम उसको हीट करते हैं तो ग्रीन कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है, सब पढ़े थे, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है या फिर हम इसको फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन ही है, यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका ये CuCO3 का जो हम लोग रिएक्शन करते हैं, कार्बन का कॉपर कार्बोनेट का रिएक्शन करते हैं, ग्रीन में हीट करते हैं तब ब्लैक में जो है फॉर्म हो जाता है,
फिर उसके बाद फोटो केमिकल का अगर एग्जाम्पल देना है तो AgCl को सनलाइट में रखोगे तो Ag+ में Cl2 बन जाता है, ठीक है। यहाँ से जो है ये आपका वाइट में था, वाइट में ये होता है, यहाँ से ये Ag जो है वो ग्रे में आ जाता है। ये सारा रिएक्शन पढ़ लिए थे हम लोग ऊपर, ठीक है। चलो सर, 43 क्वेश्चन है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज इन आयरन एलिटिक, राइट ऑब्जर्वेशन। ये आपको बता रहा है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से जो है कलर चेंज हो जा रहा है जब हम आयरन नेल को डिप कर रहे हैं उसमें। इसलिए क्यों? क्योंकि बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहां पे हो रहा है, आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को और उसके जगह पे खुद आके बैठ जा रहा है, ठीक है। सो जो एंड जो फॉर्म हो रहा है, जो वहां पे कलर जो फॉर्म हो रहा है नया, वो आपका पेल ग्रीन कलर जो है वो आपका फॉर्म हो रहा है, ठीक है। FeSO4 का पेल ग्रीन कलर होता है तो वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और कॉपर बेचारा डिस्प्लेस हो रहा है, कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है तो उसका रेडिश ब्राउन कलर जो है बेचारा वहां से डिस्पोज हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, और ये इसका रिएक्शन है, ठीक है। ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज से आपका हो रहा है कि Fe जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, समझ गए। चलो सर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टू केमिकल इक्वेशन एंड दैट बैलेंस ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम सल्फेट से, एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है प्रेसिपिटेट फॉर्म। और यार ये तो पढ़ चुके हैं, इसका प्रेसिपिटेट फॉर्म बनता है वगैरह वगैरह चीजें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं, ये चीजें पढ़ चुके हैं। एक ही चीज बार बार आ रहा है अब तो। चलो ये भी पढ़ चुके हैं यार, अभी जस्ट पढ़ गया है, अभी जस्ट ना कहना कि नहीं पढ़े हैं, इसको भी कर लेना, जस्ट पढ़ गया है। बस अब क्वेश्चन का पूछने का तरीका बस अलग अलग है, बाकी पढ़ के जस्ट आए। रेंसिडिटी किसको कहते हैं अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसको कैसे बचते हैं ये भी पढ़ लिए हैं, तो ये भी कर लेना, SW में है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन, कर चुके हैं ये वाला ग्लूकोज वाला कर चुके हैं। मीथेन नेचुरल गैस का भी कर चुके हैं आपसे, यहाँ पे नेचुरल गैस का आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन रिएक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस, एक एग्जाम्पल आपको बताना है इसी तरह से, तो ये भी आपका नेचुरली था। नेचुरल गैस का भी रिएक्शन ऑक्सीजन से करते हैं तो ये वाला भी पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया था। चलो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रेस्पायरेशन भी, और नेचुरल गैस का यानी CH4 का जो रिएक्शन हो रहा है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यहाँ भी हीट का इवोल्यूशन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं पढ़ लिए हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग किए थे, ठीक है। तो ये भी कर लेना SW में, ठीक है। SW कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर सब कर चुके हैं। 49 स्टेट वन बेसिक डिफरेंट बिटवीन फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में एक एक बेसिक चीज बताना है। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, और केमिकल चेंज में क्या होता है कि नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो जाता है, यही है इसका चेंजेस। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल चेंजेस में, तो वो होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नहीं 50, फिर उसके बाद ये क्या है, ये जो है वो इसका एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। 35 से कुछ नहीं, AgNO3 को NaCl से कर रहे हैं तो ये आपका प्रिसिपिटेट बन रहा है, ये एग्जाम्पल दिया है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है, समझ गया, ये एग्जाम्पल है, कुछ नहीं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये यार, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नहीं है उसका। क्वेश्चन AgNO3 को NaCl से रिएक्शन कर रहे हैं तो AgCl प्रेसिपिटेट फॉर्म में बन रहा है, NO3 बन रहा है। FeS को H2S से कर रहे हैं तो ये बन रहा है। कंसीडर द एवर मेंशन टू केमिकल इक्वेशन को हम लोग देख लिए, यहाँ पे दो डिफरेंट काइंड ऑफ एरोज आपको बन रहे हैं, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, एलोंग विद प्रोडक्ट के फॉर्म। ये देखिए इधर नीचे की ओर बन रहा है और इसमें ये H2S में ऊपर की ओर बन रहा है एरो, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। तो याद रखना ऊपर की ओर जो एरो होता है वो कहता है कि हमारा गैस जो है वो बाहर निकल गया, और नीचे वाला प्रेसिपिटेट फॉर्म को बताता है इस तरह से नीचे, यही आपको कहता है। 51 में है हाइड्रोजन बींग ए हाईली इनफ्लेबल गैस, बहुत जल्दी उसमें आग लग जाता है, हाइड्रोजन वाला इनफ्लेबल गैस है। ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एट वाटर विच इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ, वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनता है, इज यूज टू एक्सटिंग्विशर फायर में भी जो हम लोग हाइड्रोजन और वाटर को यूज करते हैं, क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो आप आंसर लिखेंगे कि बिकॉज जो प्रॉपर्टीज है कंपाउंड ऑफ वाटर का वो है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज इट इज ए कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट, यानी कि H2 और A2 जो है इनका डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है आपका शो होता है। इसलिए जो है देखो H2O में डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, H2O वाटर का डिफरेंट प्रॉपर्टी है, और अगर H2 और O2 को अलग करते तो इनका अलग अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये नहीं कि अब H2 और O2 जो है एक्सटिंग्विशर फायर में जो है यूज होता है तो अंदर वाटर है, ऐसा नहीं है, अंदर H2 और O2 अलग अलग फॉर्म में है,
समझ गए, इसलिए हम लोग उसके एक्सटिंग्विशर फायर में यूज कर रहे हैं, ये नहीं कि अंदर वाटर भरा पड़ा है, ऐसा नहीं है, H2 और O2 का गैस भरा है अंदर, समझ गए। चलो 52 है कि सुटेबल एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताना है कलर चेंज का और टेम्परेचर का, तो ये आप याद रखेंगे। ये PbNO3 कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है, इनका रिएक्शन करेंगे तो येलो PbTa बनता है, ये PbT फॉर्म में हो जाता है, ये रिएक्शन बहुत बार पढ़ लिए हैं, ये भी रिएक्शन बहुत बार पढ़ लिए हैं, हाइड्रोक्साइड वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है। नेक्स्ट है आपका 53 कि एक सॉल्यूशन एक्स है जो यूज किया जाता है वाइट वॉशिंग में, ये तो ये एक्स क्या है ये आपको बताना है और इसका केमिकल रिएक्शन बताना है वाटर के साथ रिएक्ट करके। दूसरा है कलर जो है आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो है कलर, व्हाई डज द कलर जो है वो चेंज हो रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जब आयरन नेल में हम उसको डिप कर रहे हैं। तो एक्स जो सब्सटेंस है आपको पता है वाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग यानी चूना हो रहा है, तो CaO होगा, CaO को वाटर से करो तो हाइड्रोजन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब आयरन नेल इसलिए डिप हो रहा है क्योंकि भाई देखो यहाँ पे CuSO4 जो है वो FeSO4 में बन रहा है और Fe का पेल ग्रीन कलर होता है, इसलिए कलर जो है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है, ये है इसका रीजन। नेक्स्ट 54 राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलो द रिएक्शन, रिएक्शन फॉलो करके आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप का रिएक्शन है। तो यहाँ पे आप इसको कर लीजिए होमवर्क, बहुत बार इस सब चीज़ें हम लोग करा चुके हैं ऊपर से लेकर कभी 54 क्वेश्चन तक। जिंक प्लेट जो है पुटेड इन ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट केप्ट इन ए ग्लास कंटेनर, इट वॉज फाउंडेड ए ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन फेडर एंड फेडर ऑफ द पासिस इन टाइम, आफ्टर अ फ्यू डेज जिंक प्लेट वॉज टेकन आउट, बाहर निकाल लिया जाता है, द नंबर ऑफ होल्स वॉज ऑब्जर्व इन इट। हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे होल्स बने हुए रहते हैं। करेक्ट, एक जिंक प्लेट को पुट करते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में ग्लास कंटेनर में, और कुछ जो है वो ब्लू कलर का जो है सोल्यूशन जो है वो होता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट तो ब्लू कलर का ही होगा। फेडर एंड फेडर ऑफ द पासेज ऑफ टाइम, कुछ समय तक जो है बीता, कुछ समय बाद हम उस जिंक प्लेट को बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि उसमें जो है बहुत सारे होल्स बने हुए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। पहला है क्या रीजन है होल्स बनने का जिंक प्लेट में, और इनका रिएक्शन बताना है। तो देखो पहला है कि इट बिकॉज, इसलिए क्योंकि जिंक प्लेट जो है कॉपर फॉर्म CuSO4, कॉपर जो है वो आपका क्या हो रहा है कि CuSO4 जो है वहां से जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके वो उसके जगह पे बैठ जा रहा है और जिंक सल्फेट जो है वो फॉर्म कर दे रहा है, और जिंक सल्फेट जब फॉर्म करेगा तो वहां पे क्या हो रहा है नंबर ऑफ होल्स जो है इसलिए बन गए क्योंकि उस होल्स में जो है वो कॉपर जाके बैठ गया है, ठीक है, इसलिए जो है वहाँ पे बहुत सारे हमको होल जो है वो देखने को मिल जाते हैं, और इनका रिएक्शन जो है आपका ये बनेगा, कलरलेस सोल्यूशन आपको यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखेगा, ठीक है। चलो 56 में है व्हाइट सॉल्ट ऑफ हीटिंग डिकम्पोजिशन टू गिवन ब्राउन फ्यूम जो है मिल रहे हैं, रिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड, नेम बताना है। अब देखो ब्राउन फ्यूम हमने बताया था, याद रख लेना ब्राउन फ्यूम क्या होता है, लीड नाइट्रेट का होता है, मैंने बताया था ना, समझे कि नहीं समझे, ब्राउन फ्यूम जो है क्या होता है, सच्चा लीड नाइट्रेट का होता है सर जी। तो यहाँ पे आपका क्या जाए, लीड नाइट्रेट इज ए व्हाइट सॉल्ट, लीड नाइट्रेट का ब्राउन फ्यूम होता है। चलो अब इसका वही बता दो, ये वाला तो हम लोग करके आए हैं बहुत बार, PbNO3 का रिएक्शन करेंगे हीट करें तो PbO बनेगा, 4NO2 बनेगा और O2 जो है आपका बनता है, ये रिएक्शन हो जाएगा। 57 में है कि सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हैं सॉल्यूशन लीड नाइट्रेट टेस्ट ट्यूब में, तो रिएक्शन आपका टेक प्लेस हो रहा है, और ये रिएक्शन हम लोग बहुत बार अभी पढ़ के आ चुके हैं भाई, कर लेना इसको SW में, कितने बार करवाओगे इसको। अल्यूमिनियम और ब्रोमिन, यहाँ पर रिएक्शन आपको बताना है, अल्यूमिनियम ब्रोमीन है, अल्यूमिनियम ब्रोमाइड बन रहा है तो Al2Al हो जाएगा, ब्रोमीन का ही हो जाएगा, इस तरह से आप कर लेंगे इसको, ये रिएक्शन भी जो है हम लोग करके आ चुके हैं बहुत बार, SW में कर लेना इसको, याद रख लेना। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO बन जाएगा और CO2 बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो अल्यूमिनियम और ब्रोमीन का रिएक्शन से अल्यूमिनियम ब्रोमाइड बन जाता है, और सिल्वर क्लोराइड से जो है सिल्वर आपका यहाँ पे बनता है जो कि ग्रे कलर का हो जाता है, यहाँ पे जो है आपका ये व्हाइट कलर का रहता है, यहाँ ग्रे कलर का हो जाता है ये, ठीक है, ये चीजें पढ़ चुके हैं बहुत बार। 59 है कि वाई रेस्पिरेशन कंसिडर एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है बाहर निकलती है, ठीक है, इसलिए जो है आपका होता है ये, नहीं एनर्जी जो है बाहर निकलती है इसलिए आपका होता है यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा है। डिफाइन करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऊपर कर चुके हैं देख लेना, ऑक्सीडेशन में ऐड होता है, देखो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन में क्या होता है हाइड्रोजन ऐड होता है ऑक्सीजन रिमूव होता है या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये डिफिनेशन है। आइडेंटिफाई करना है इसको कि ये कौन सा रिएक्शन है, ठीक है, या सॉरी इसमें आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड को जो है आइडेंटिफाई करना है, तो सबको पता है कि भाई जिंक जो है वो ऐड कर रहा ऑक्सीजन को तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और कॉपर जो है वो रिड्यूस कर रहा ऑक्सीजन को तो रिड्यूसिंग रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है।
60वें नंबर पे है कि यू माइट नोटेड दैट द कॉपर पाउडर इज हीटेड विद चाइना डीज सर्फर, जो सरफेस है कॉपर पाउडर का बिकम्स कोटेड एंड ब्लैक कलर्स हो जाता है। ये वाला बहुत बार हम लोग कर चुके हैं भाई, पहला दूसरा क्वेश्चन ही हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कर लेना इसको, ये रिएक्शन हम लोग ने कर चुका था, कर लेना इसको। ठीक है, होमवर्क चाइना डीज वाला हम लोग बहुत बार किया है। 61 है, व्हाट हैपन केमिकली इज क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर, क्विकलाइम को वाटर में ऐड करते हैं एक बकेट में तो क्या होगा। सो ये क्विकलाइम को जब हम लोग ऐड करेंगे वाटर में तो यहाँ पे स्केल्ड लाइन यानी चूना जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो बनेगा स्केल्ड लाइन, और हीट यहाँ पे निकलेगी और हीसिंग साउंड यानी कि बहुत सारे मतलब ऐसा लगेगा कि सी 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 इस तरह का साउंड आपको हीसिंग साउंड जो है वो मिलेगा। ठीक है, समझे कि नहीं। चलो 62, व्हाट इज द बेसिस ऑफ अ केमिकल बैलेंस, केमिकल जो है किस तरह के किस पे हम लोग बैलेंस करते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास पे हम लोग बेसिक पे हम लोग बैलेंस करते हैं। व्हाट चेंजेस इन द कलर ऑब्जर्व, सिल्वर क्लोराइड जो है लेफ्ट एक्सपोजर सनलाइट पर रखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड जो है क्या किस तरह कलर जो है चेंज करता है, तो सबको पता है ग्रे कलर में हो जाता है। ठीक है, व्हाइट कलर से ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ इक्वेशन रिएक्शन बिटवीन द सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ एन प्रोडक्ट, यार सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करोगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी ये चेंज हो जाता है, ये रिएक्शन आप याद रखेंगे। सिंपल सिंपल से यार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस में आप कमाल कर देंगे। इस क्वेश्चन इस तरह के चैप्टर मतलब इस चैप्टर सब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सारे क्वेश्चन ही करा दिया मैंने थके, समझ गए, सारे क्वेश्चन ही खत्म हो गए, अब इनको बस आपको याद रख लेना है, एक बार एग्जाम से पहले इन सारे वीडियोस देख लेने, कंप्लीट हो गया, समझ गए। इजी तो है भाई साहब, इजी है इजी। व्हाट हैपेंड व्हेन ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट जो है Na2SO4 Na2SO4 जो है रिएक्ट कर रहा है बेरियम सल्फेट से, PPT फॉर्म होता है इसका, सबको बताया थे। ठीक है, मतलब कि इक्वेशन जो है फॉर्म हो रहा है एक एक्वस सॉल्यूशन से, जो हमारा सोडियम सल्फेट जो है रिएक्ट कर रहा है एक्वस बेरियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से, सॉरी बेरियम क्लोराइड से, तो क्या फॉर्म होगा ये आपको बताना है, फिजिकल कंडीशन बताना है आपको इनका, नॉट टेक प्लेस बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी आपको इसका बताना है। तो यार देखो व्हाइट प्रिसिपिटेट बेरियम सल्फेट जो है आपका फॉर्म होता है और ये आपका इसका रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट जो है आपका यहाँ पर रिएक्शन होता है और इसी को प्रिसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। इस तरह का रिएक्शन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, रिडॉक्स रिएक्शन और इसका ये सारे चीज हम लोग कर चुके हैं भाई। होमवर्क ले लो यार, चीख चीख के बोल रहा है कि भाई इसको हमें होमवर्क दे दो, समझ गए, चीख चीख के ये भी चीज हम लोग बहुत बार कर चुके हैं भाई, चीख चीख के ये भी बोल रहा है कि हमें होमवर्क दे दो, ऊपर देख लेना कर लिया है इसको। ठीक है, 68 में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो है वॉल्यूम ऑफ गैस किस फॉर्म में रहेगा, तो यार वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो H2O का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो H2+ में O2 का फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे देखेंगे H2O, सिंपल से देखिए H2O में हाइड्रोजन 2 मोल से ऑक्सीजन 1 मोल से, तो 2 रेशियो 1 के फॉर्म में होता है। बैलेंस करना है इसको तो हमने बताया है, आप बैलेंस करेंगे पहले पीवी को बैलेंस कर लीजिए, फिर उसके बाद देख लीजिए क्या क्या है, तो पीवी यहाँ पे क्या है 1 मोल था, यहाँ भी पीवी 1 मोल है, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 2 मोल है, बाहर 2 लगा है, नाइट्रोजन 2 है लेकिन नाइट्रोजन यहाँ 1 है, तो हमें मल्टी 2 से जो है वो करना पड़ेगा, तो यहाँ बाहर 2 लगा देते हैं, ये देखो बाहर 2 लग गया, बाहर 2 लगा तो पीबी फिर से चेक करना होगा, पीबी 2 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पे पीबी को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 हो गया। चलो ठीक है, पीबी तो बैलेंस हो गया, अब उसके बाद नाइट्रोजन देखेंगे तो नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कितना हो गया, यहाँ नाइट्रोजन 4 हो गया, नाइट्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया, तो क्या करेंगे अब, क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे सर, क्या करेंगे क्या करेंगे, अगर हम पूरा देखते हैं तो एनो एनो जो है एनो जो है वो 3 दुनी 6 हो गया, यहाँ पे एनो जो है वो 4 दुनी 8 हो गया, ये कैसे होगा बैलेंस, कैसे होगा, कर लोगे इसको कि नहीं कर लोगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ बताओ ना। अब देखो आप कहोगे कि सर आपने तो है वो गलती तो कर ही रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं सर, क्या हम गलती कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं कि सर नाइट्रोजन 2 2 है और ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, टोटल 4 है, इस साइड देखते हैं इस साइड नाइट्रोजन देखो 4 है, चलो बैलेंस है, पीबी 2 है बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दुनी 6 और 6 और ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 12, तो ये देखो 2 इधर है और 4 दुनी 8 इधर है, तो 8 और 2 10 हो गए और यहाँ 2 ऑक्सीजन और है, 10 और 2 12 हो गए, यानी ये पूरा रिएक्शन ये बैलेंस हो गया, इस तरह से आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपसे पूछा हुआ था और इस तरह से आप बैलेंस कर लेंगे। प्रोडक्ट का नेम बताना है, स्ट्रॉन्गली हीटेड फेरस सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है, तो यार ये रिएक्शन बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, इसको कर लेना है SW में।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, इसका रिएक्शन बताना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है आपका ये चीज़ें बतानी है, कर लेना भाई, ये सारे चीज़ें बहुत बार हम लोग डिस्कस कर लिए, ये वाला कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अलग क्वेश्चन। डिस्क्राइब द एक्टिविटी ऑफ द चेंज दैट टेक प्लेस व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो है केप्ट सनलाइट, सनलाइट में जब व्हाइट सिल्वर क्लोराइड को रखते हैं तो क्या क्या होता है उसके बारे में है, रिएक्शन भी आपको बताना है। तो पहले एम लिखेंगे, जैसे प्रैक्टिकल में बनाते हैं हम, एम लिखेंगे डेमोन्स्ट्रेट द चेंज टेक प्लेस व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट रखते हैं तो क्या चेंज होता है वो, फिर मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, Te3 हमें रिक्वायर्ड होगा, NaCl रिक्वायर्ड होगा और एक टेस्ट ट्यूब रिक्वायर्ड होगा। ये फिगर बना लेना, यहाँ से सनलाइट आ रहा है, इस देखो चाइना डिश में हम लोगों ने सिल्वर जो है क्लोराइड को रखा है, ये देखो ग्लासेस में है, ठीक है। अब यहाँ फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन जो है आपका हो रहा है सिल्वर क्लोराइड का, ग्रे सिल्वर मेटल का प्रोड्यूस। अब यहाँ पे प्रोसीड्यूर लिख देना, क्या क्या प्रोसेस हुआ, 5 ml सिल्वर नाइट्रेट जो है टेस्ट ट्यूब में रखा है, प्रिपेयर किया क्लोरीन सोडियम क्लोराइड से अनदर टेस्ट ट्यूब में, प्रिपेयर कर रहे हैं आप, बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड, फिर सोडियम क्लोराइड को ऐड कर देंगे वो सिल्वर नाइट्रेट वाले सोल्यूशन में, ऑब्जर्वेशन में देखेंगे कि जो सिल्वर क्लोराइड है फॉर्म करेगा एक क्लोराइड जो कि ग्रे सिल्वर मेटल को जो है वो ड्राई कर देगा विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर से, हम लोग उसको छान लेंगे यानी कि बाहर निकाल लेंगे, तो देखेंगे वाच ग्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वाच ग्लास जो है सनलाइट के फॉर्म में जो आप उसको रख देंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जो आपका सिल्वर कलर का जो ग्रे सिल्वर कलर है, ग्रे सिल्वर कलर में वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है, वही सारा प्रोसेस अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, वो किस में कन्वर्ट रहा है, ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा सनलाइट में रखेंगे, तो वही चीज़ अब यहाँ पे प्रोसीड्यूर में लिखा हुआ है। केमिकल रिएक्शन ये है जिससे का सनलाइट में लिखेंगे ये हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में ये है कि सिल्वर क्लोराइड जो है फोटो सेंसिटिव होता है, ठीक है, ये डिकम्पोज करता है सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर मेटल में और क्लोरीन में, ये देखिए यहाँ पर कंक्लूजन लिखे हैं कि जो डिकम्पोजिशन है सिल्वर क्लोराइड का प्रेजेंस में फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग कहते हैं उसको। 73 मैग्नीशियम वाला कर लेना होमवर्क, ईजी है। डिस्टिंग्विश करना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में एक बार डिस्प्लेस होता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये तो ईजी है आपके लिए, कर लेंगे भाई, इतना छोटा छोटा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। नेक्स्ट नील नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का, यार ये वाला रिएक्शन हम लोग किए हैं कि नहीं, बहुत बार किए हैं, कर लेना इसको, इसका PDF मिल जाएगा, एक बार पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना सब चीज़ का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में आप क्या जानते हैं, यार एक्सोथर्मिक हीट उसमें निकलता है बाहर, ये देखो ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक में हमें हीट देना पड़ता है बाहर अपने खुद से तब जाके वो रिएक्शन होता है, ये एंडोथर्मिक है, ये यहाँ पे डिफरेंस है इनका। यहाँ पे ये टोटल जो है हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, 76 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया इस चैप्टर से प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस सेशन आपको कैसा लगा फिजिक्स में, आपका केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री में आपका चैप्टर 1 का इस तरह से पूरा 76 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, उसी तरह से और भी सारे क्वेश्चन जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री के सब करेंगे और बायोलॉजी का भी आपका हो जाएगा टाइम से पहले, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये सारा आपका इसका PDF मिल जाएगा क्वेश्चन का, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इतना मजेदार क्लास देखने के लिए यार वीडियो को लाइक करो शेयर करो ताकि मेरा मोटिवेशन हाई हो, और जैसा कि मैंने बताया कि 1K सब्सक्राइबर जो है आपका हो जाएगा, 1K सब्सक्राइब हो जाएगा तो हम जो है वो मेंटी क्यूज आप शायद सुने होंगे, मेंटी क्यूज जो है हम कराएंगे जिसमें कि आपका जो 20 क्वेश्चन आपका MCQ और रिसर्शन रिजल्ट टाइप जो आ रहा है वो सारा उसमें आपको कवर, ठीक है, बाकी यहाँ से सब्जेक्टिव आपका ये सारा कवर हो गया इस चैप्टर से। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ऑल दी वेरी बेस्ट।